पाकिस्तान ने एक बार फिर सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। आपको बता दें कि आरएसपुरा सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी में बीएसएफ के दो जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। पाकिस्तान फायरिंग में बीएसएफ के दो जवान सहित चार लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरएसपुरा सांबा सेक्टर में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, कल पूरी रात ये फायरिंग चली है और आज सुबह भी ये फायरिंग हुई है, जिससे वहाँ के आम लोगों में दहशत है। चार लोग वहाँ के जो नागरिक हैं आसपास के गांव के, वो भी इस फायरिंग में घायल हुए हैं। दो जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है, वहाँ भर्ती कराया गया है। बीएसएफ की 10 चौकियों पर रुक रुक कर फायरिंग हो रही है और एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन यहां पर देखा गया है। अप्रैल से ही ये बार बार किया जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन, और एक बार फिर से यही देखने को मिला है आरएसपुरा सेक्टर में। 10 चौकियों पर फायरिंग, जिसमें सेना के दो जवान घायल और चार अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं।